नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडोतिया और हम चर्चा करेंगे जो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह आजकल फिर सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में अपने बयानों को लेकर हमेशा रहते हैं, पर लेकिन इस बार उनका जो बयान है वो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या संघ के ऊपर नहीं है, उनके खुद के ऊपर उन्होंने राजनीतिक भविष्य को लेकर बयान दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह इस बार राजगढ़ से चुनावी मैदान में हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव दिग्विजय सिंह लड़ेंगे, पर लेकिन कल दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर इनकार किया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। राज्यसभा के अंदर उनका 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है, लिहाजा वो अपना राज्यसभा का कार्यकाल पूरा करेंगे। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस समय देश के अंदर मोदी लहर है, राम मंदिर निर्माण के बाद में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है और शुरू से बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि इस बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान से भागते हुए नजर आएंगे। तो क्या दिग्विजय सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार, चुनावी डर है उनको, लोकसभा में हार का डर है क्योंकि पिछला चुनाव वो हारे थे? मेरे साथ में मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी मौजूद है। राकेश, आमतौर पर दिग्विजय सिंह को लड़ाका कहा जाता है और कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह को कोई भी चैलेंज दिया जाए उसको स्वीकार करते हैं, पर लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि पिछला लोकसभा का चुनाव वो लड़े हों पर लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जाने से इनकार कर रहे हैं, साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, हम पिछले समीकरणों में जाएं तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की हार हुई थी, जब दिग्विजय सिंह चुनाव हारे थे तो उन्होंने 10 साल तक कहा था कि 10 साल तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और उनकी आगे की चुनाव लड़ने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जो आपने कहा ना कि दिग्विजय सिंह को हर चैलेंज स्वीकार होता है और जहाँ तक 2019 में उनको चैलेंज ही दिया गया था कि वो चुनाव लड़ें, ना सिर्फ चुनाव लड़ें बल्कि जो बीजेपी का गढ़ है जहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुलता, भोपाल से चुनाव लड़ें, तो दिग्विजय सिंह ने वो चुनौती स्वीकार की थी और दिग्विजय सिंह चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जो अंदर का मन था उनका, वो राजधानी भोपाल से चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे दिग्विजय सिंह, राजगढ़ से उनकी नज़र थी राजगढ़ पे कि राजगढ़ से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जिस तरह के समीकरण बने थे और जो कमलनाथ ने तो खुलासी कर दिया था कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ा, बड़े मैनेजमेंट के साथ लड़ा, लेकिन उनकी हार हुई थी 3,65,000 से। तो अब उसके बाद दिग्विजय सिंह अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, असमंजस का ही दौर अभी तक लगातार जारी था और जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्विजय, नहीं, मैं राकेश यहाँ पर टुकूंगा, असमंजस बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि पिछला चुनाव जब भोपाल से दिग्विजय सिंह लड़े थे तो उस समय उनका वोट जो है राधोगढ़ में हुआ करता था, वो वोट डाले नहीं जा पाए थे और उसके बाद उन्होंने अपना वोट चेंज करा के भोपाल में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया था और एक तरीके से ये माना जा रहा था कि भोपाल के अंदर दिग्विजय सिंह जो चुनाव हारे हैं साध्वी प्रज्ञा से, अगला चुनाव यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो भोपाल से लड़ेंगे और हार का बदला लेंगे, कम से कम दिग्विजय सिंह की तासीर को जो लोग जानते हैं वो जरूर इस बारे में चर्चा कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने भी कभी इनकार नहीं किया चुनाव लड़ने से, जो बात आपने कही ना कि चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार नहीं की, पर लेकिन कल पहली बार दिग्विजय सिंह ने बोला कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। सीट का तो नाम ही नहीं आया, इस बार तो उम्मीद थी कि राजगढ़ से चुनाव लड़ाया जाएगा, उसके बावजूद राजगढ़ उनका गृह क्षेत्र, उनका कहना चाहिए कि खुद का संसदीय क्षेत्र रहा है राजगढ़, और उसके बाद चुनाव लड़ने से इनकार करना, ये कहा जा रहा है कि मोदी लहर इस समय बम्पर है और पूरे देश में मोदी लहर का एक माहौल बना है, उससे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता डर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, हम लहर की बात करें तो जो विधानसभा का मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है या फिर तीनों राज्यों में चुनाव हुए हैं हिंदी भाषी राज्यों में, उसमें सीधे तौर पर बीजेपी का कमल निशान था और पीएम नरेंद्र मोदी थे, मोदी की गारंटी थी और हम नतीजे देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जहाँ पर कांग्रेस एक तरफा जहाँ पर अपने आप को बहुमत में मान के चल रही थी वहाँ पर कांग्रेस जो है विपक्ष में पहुँच गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर तो बीजेपी बढ़त में है ही, तो जो मोदी का फेस सामने आया है, मोदी की गारंटी सामने आई है, तो ये बीजेपी को भी लग रहा है कि जो 2019 का, माफ कीजिएगा, जो 2024 का चुनाव होगा इसी तर्ज पर होगा और जाहिर तौर पर है। अब इस लहर के बीच कौन कौन से दिग्गज टिक पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और बीजेपी जो बार बार बयान जारी कर रही है कि इस बार 28 नहीं बल्कि हम 29 सीटों पर काम कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस की अपनी रणनीति है, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह का साफ इनकार कर देना, ये इस बात का जो है चर्चा तो बड़े जोरों पर है कि क्या जो बीजेपी की रणनीति है। देखिए, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो उनके सामने चुनाव हल्का फुल्का नहीं होगा, किसी आम व्यक्ति को नहीं उतारा जाएगा, जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में देखा है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे उनके सामने जो तैयारी बीजेपी ने की थी, तो दिग्विजय सिंह यदि चुनाव लड़ते तो उनके सामने भी इसी तरह का तैयारी बीजेपी करेगी, तो दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि इस तरह की बीजेपी की तैयारी ना करना पड़े और क्योंकि जब चुनाव में उतरेंगे सीधे तौर पर चुनौती तो मिलेगी, साफ तौर पर जाहिर है, तो लगता है कि इसी कारण भी दिग्विजय सिंह ने अपने चुनाव लड़ने से इनकार किया। लेकिन उनके सामने एक अभी मजबूत पक्ष ही है कि अभी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है, पर लेकिन जनप्रतिनिधि का
जनता के द्वारा चुना जाना हमेशा से सपना होता है। हमने देखा है कई बड़े बड़े नेता जो चाहते हैं कि एक बार वो कम से कम सांसद बने, विधायक बने, जनता के द्वारा चुनकर बने, पर लेकिन इस समय पूरे देश के अंदर जो माहौल है, मध्य प्रदेश में खासकर बात करें, जो चुनाव परिणाम आए, जितना बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े से निराश हैं। और ऐसे में अगर बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर देंगे तो लगता नहीं कांग्रेस के जो दूसरे नेता जो चुनाव की तैयारी कर रहे हो, वो तो वैसे ही मनोबल उनका टूट जाएगा, जब दिग्विजय सिंह जैसा नेता, इतने बड़े कद का नेता जिसके जीतने की संभावना है कांग्रेस में सबसे ज़्यादा हो, कम से कम वो भी राजगढ़ जैसे जिले या भोपाल जैसे जिले से, अगर वो इनकार करता है तो बाकी के नेताओं की हालत क्या होगी? वो तो मतलब ऐसा है कि एक तरीके से मजबूरी में चुनाव लड़ना होगा या फिर पार्टी जबरदस्ती किसी को चुनाव लड़ाएगी। देखिए दिग्विजय सिंह के साथ देखें तो थोड़ी सी कुछ परिस्थितियां अलग हैं। दिग्विजय सिंह एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं, चुनाव लड़ाने का सबसे अच्छे मैनेजमेंट उनका सामने आता है। आपके तो गृह जिले से आते हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा होती रहती होगी, पर लेकिन दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान, लगता था कि किसी को उम्मीद होगी कि इनकार करते बिल्कुल चुनावी मैदान से कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राज्यसभा बाकी है, 2.5 साल कार्यकाल पूरा करूंगा। राज्यसभा का कार्यकाल तो चुनाव लड़ने के बाद भी पूरा कर सकते थे वो, अगर हार भी जाते मान के चले, वैसे तो अच्छे टक्कर देते वो, पर अगर लोकसभा में जो भी परिणाम आते तब भी राज्यसभा का कार्यकाल उनका बाकी रहता। देखिए दिग्विजय सिंह बात करें, लंबे समय तक विधायक रहे हैं, लंबे समय तक सांसद रहे हैं। मैं फिर जो 2019 से फिर आना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह की बहुत इच्छा पहले भी नहीं थी चुनाव लड़ने की, कि सांसद को चुनाव लड़े, हालांकि उनके मन में जरूर था यदि वो चुनाव लड़े तो राजगढ़ से जाएंगे, लेकिन उन्हें भोपाल भेज दिया गया। तो उसके पीछे समीकरण था, देखो उस समय सरकार कांग्रेस की थी, माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, सिंधिया कांग्रेस के पास में थे, दिग्विजय सिंह बड़ा चेहरा थे, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, और जो रणनीति बनाई थी ये थी कि अगर सिंधिया गुना से चुनाव लड़ते हैं तो वो ग्वालियर को कवर करेंगे, मुरैना को कवर करेंगे, और उसके बाद में बीच का जो गैप है राजगढ़, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, अगर दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ये रणनीति थी भोपाल से दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ाने की, हालांकि वो रणनीति मोदी लहर के सामने कामयाब नहीं हुई, और साध्वी प्रज्ञा जैसा चेहरा जो कहना चाहिए विवादित चेहरा था, उसके बाद भी 3,65,000 वोटों से दिग्विजय सिंह चुनाव हारे। मुझे लगता है कि वो हार की पीड़ा, शायद हार का जो दर्द है वो अभी तक नहीं भूल पाए। देखिए सीधे तौर पर जो दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ा था, बड़ी हमने बारीकी से देखा था कि जबरदस्त तो मैनेजमेंट किया था, एक एक कॉलोनी में एक एक समाज के बीच उनकी बैठकें हुई थी, रणनीति तैयार हुई थी। दिग्विजय सिंह का ये आस थी कि बड़ी जीत के साथ वो बड़ी वोटों से वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन हमने देख पाए कि जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें डिपेंडेंसी लोकल मुद्दे नहीं करते, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे वो गुनते हैं, उसी के आधार पर चुनाव होता है। हम बीजेपी राजधानी भोपाल की, और इस समय तो कोई मुद्दा ही नहीं मोदी के अलावा, राम मंदिर के अलावा। मुझे लगता है कि शायद एक सबसे बड़ा डर पूरे विपक्ष के लिए होना चाहिए, क्योंकि लग रहा था कि एक पूरा गठबंधन जो इंडी गठबंधन जो तैयार हुआ विपक्ष का पूरा, और लग रहा था कि इस बार मोदी को चुनौती मिलेगी, सारा विपक्ष एक हो जाएगा तो क्या होगा मामला। उससे पहले टाइम टाइम फिर सभा निकलती नजर आ रही है, ममता बनर्जी बोल रही है अकेले चुनाव लड़ूंगी पर गठबंधन में शामिल रहूंगी। नीतीश कुमार ने झटका दे ही दिया है, नीतीश कुमार तो पाला ही बदल दिया, झटका क्या कहना है कि पूरा पाला ही बदल दिया उन्होंने, तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया, जो गठबंधन था विपक्षी गठबंधन उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया। अगले से ज्यादा बोल रहे हैं कि मैं तो 11 सीटें ही दूंगा कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जहां से कांग्रेस कितने 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री बनकर गए, ऐसे राज्य में स्थितियां हैं। केजरीवाल बोल रहे हैं हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो ये जो पूरा एक विपक्ष का जो मामला है, लग रहा है कि राम मंदिर के माहौल के बाद में पूरा विपक्षी गठबंधन कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय या कमजोर महसूस कर रहा है। बिल्कुल सीधे तौर पर ये सब जो गठबंधन के सदस्य थे पीछे हट रहे हैं, कोई तो पाला बदल लिया, कोई कह रहा है कि हम आपके साथ हैं लेकिन हम चुनाव अलग से लड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर उनको लग रहा है कि कांग्रेस वाले यदि गठबंधन से रहते तो उन्हें और अधिक घाटा हो सकता है, क्योंकि जो बीजेपी ने जिस तरह से निमंत्रण का जो मामला जनता के बीच पहुंचा है, बीजेपी ये बार बार कह रही है कि कांग्रेस तो राम विरोधी है, राम मंदिर के जब लोकार्पण उसमें नहीं गए और खासतौर पर जो मुखिया हैं वो लोग नहीं गए, तो बीजेपी जनता तक ये पहुंचाने मैसेज पहुंचाने में सफल रही है। अब इसका नुकसान गठबंधन के सदस्य उनको हो सकता है वो झाँप रहे हैं, और जहाँ तक दिग्विजय सिंह आज ये बयान आया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, हो सकता है उनका कल ये भी बयान आ जाए कि मैं चुनाव तो नहीं लड़ूंगा लेकिन चुनाव का प्रबंधन है मैनेजमेंट में देखूंगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह की बात करें दोनों विधानसभा चुनाव में जो पीछे की जो जिम्मेदारी है, जो पर्दे के पीछे की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को मनाने की, नाराजगी दूर करने की, एकजुट करने की, उनके भी समय पर वो सकारात्मक परिणाम दिख नहीं रहे हैं। मैनेजर की एक अच्छी भूमिका होनी चाहिए, मैनेजमेंट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं, पर लेकिन वो कार्यकर्ता वोटरों को नहीं मना पा रहे या जो भी कारण, उसके परिणाम हमेशा चुनाव में परिणाम मायने रखते हैं। कोई भी अगर युद्ध है उसका परिणाम हमेशा मायने रखता है, और परिणाम अगर सकारात्मक नहीं है तो आप कितने भी अच्छे मैनेजर हो
मुझे लगता है कि वो चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती फिर। अब बिल्कुल, हालांकि दिग्विजय सिंह एक बार इसमें सफल हुए हैं और एक बार असफल हुए हैं। असफलता की बात करें तो हाल ही के चुनाव में है, क्योंकि पूरा का जो मैनेजमेंट पीछे वो संभाले हुए थे। लेकिन हाँ, 2018 की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाकर दी थी, दिग्विजय सिंह के खाते की उपलब्धि है। अब हो सकता है दिग्विजय सिंह ये लोकसभा चुनाव में इसमें एक महती जिम्मेदारी ये अदा करें कि वो मैनेजमेंट फिर से संभालेंगे, समन्वय की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी जाएगी। हालांकि कांग्रेस में जिस तरह का परिवर्तन हम देखने को मिल रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों खाटी राजनेता हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों से जो चुनाव में सीधे एफर कहें तो सीधी कमान से दोनों ही नेता दूर हैं। तो अब इस दूरी के बीच वो जो नई टीम है उसको कितना सहयोग करते हैं या नई टीम उनसे क्या चाहती है, ये तमाम परिस्थिति अभी देखें। बाई इलेक्शन में हमने देखा खंडवा में उपचुनाव हुए थे नंद कुमार सिंह चौहान के बाद में, अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रहे। अब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। अगर बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर देंगे तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता क्या सोचेगा, क्या लगेगा उसको, मतलब कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है, नए अध्यक्ष हैं, नए नेता प्रतिपक्ष हैं। मुझे लगता है ये फैसला पार्टी के नेतृत्व को करना चाहिए था बजाय दिग्विजय सिंह के, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। पर लेकिन दिग्विजय सिंह जब खुद ही विथड्रॉल कर लिए तो उसका संदेश ऐसा जा रहा है कि जैसे वो चुनावी मैदान से भाग रहे हों या डर रहे हों। देखिए, जो वर्तमान परिस्थितियां बनी जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, चुनाव के बाद जब पीसीसी चीफ की नियुक्ति हुई तो उसमें दिग्विजय सिंह से बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा नहीं हुआ, और दिग्विजय सिंह जिनको बनाना चाहते थे उनकी चली भी नहीं है। तो अब बारी पहले पार्टी की थी, अब लोकसभा चुनाव आए हैं तो मध्य प्रदेश के बड़े नेता तो हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कई दफ़ा सांसद भी रहे हैं, अब उनकी दिग्विजय सिंह की बारी है। तो उन्होंने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं, एक तो ये कि अपने आप को उन्होंने सेव कर लिया है, दूसरी ओर पार्टी के सामने चुनौती जाहिर तौर पर बिल्कुल राकेश, और मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी में शायद यही फर्क है। बीजेपी में निर्णय जो है पार्टी संगठन लेता है, बीजेपी का संगठन लेता है किसको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ाना। हमने देखा है विधानसभा के अंदर कितने बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा, पर लेकिन कांग्रेस के अंदर नेता खुद तय करते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। जाहिर सी बात है कि दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद में मध्य प्रदेश की सियासत में जरूर हलचल है, पर लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जरूर सोचना होगा कि वो दिग्विजय सिंह के इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं। नमस्कार।